नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल मराठाओं के हक के लिए लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने हाल ही में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सीधे बयान दिए। इस पर अब विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पाटिल द्वारा उप मुख्यमंत्री के खिलाफ दिए बयान पर एसआईटी जांच करने का आदेश दिया है। इधर आंदोलन पर बैठे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सभी को गाँव गाँव विरोध आंदोलन जारी रखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, उनके पास प्रणाली है और वही करेंगे जो भी करना चाहते हैं। मैं समाज के लिए लड़ता रहूंगा। मराठाओं के खिलाफ यह हत्या सही नहीं है। देवेंद्र फडणवीस मराठा समुदाय के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर लोगों पर हमला होता है तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाता। बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में जरांगे की उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आक्रामक टिप्पणियों पर नाराजगी जताई और इसके लिए वरिष्ठ नेता शरद पवार को जिम्मेदार ठहराने की मांग की। वहीं इस पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने उड़ी आपत्ति जताई, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। मनोज जरांगे ने रविवार को जालना जिले की अंतरावाली सरावटी गांव में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने उनकी हत्या करने की भी कोशिश की थी। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वे मुंबई तक मार्च करेंगे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वही मनोज जरांगे ने यह भी दावा किया था कि उन्हें सेलाइन के जरिए जहर देने की कोशिश की गई थी, हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से आगे नहीं बताया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।